अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सीधे वही लिए चलते। रोजगार, उत्तर प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें, आज के समय पर कैसे रोजगार हो, कैसे नौकरी हो, उन्हीं मुद्दों पे लेकर के लगातार पार्टी का पक्ष हर प्लेटफॉर्म पे रखने का काम करें। संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था, फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप और उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। उसमें कई उदाहरण हैं, कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया। मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था तो बांदा में एक नौजवान अपने आप उसी समाजवादी लैपटॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। मुझे वो भी समय याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैपटॉप छीन लिया गया था और अखबारों में छपा था कि जब लैपटॉप छीन गया उससे तो पूरे घर ने खाना नहीं खाया उस दिन। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैपटॉप भिजवाने का काम किया था। अभी जब मैं मिर्जापुर गया था तो उस बेटी और उस परिवार से मैं मिला था। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार से होगा और एक लोगों पे FIR दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है, उस व्यक्ति पर FIR जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए, अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ला सकते हो वो तस्वीर, ले आओ एक बार। तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा भी करते हैं। नहीं, FIR तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। यही सुनना चाहते थे आप, क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक FIR नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है घर मकान ढूंढते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के DGP पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म होगी उनकी, तो किससे जाए। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी दे करके आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हों उसके खिलाफ कार्रवाई हो ऐसे व्यक्ति का। पहले फोटो देख लो, आने दो फोटो। सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा ऐड में लगाया जा रहा है, हमारा आपका पैसा भी ऐड में लगा करके हमारे।
चाहिए। तो अखिलेश यादव यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ एक फोटो दिखाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उससे पहले अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने मायने हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये कौन है जो हमारी तस्वीर लगाई है भारतीय जनता पार्टी की? तो देखिए, ये तस्वीर भी अखिलेश यादव की ओर से दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं।